साईं ऑटोमोबाइल्स अब आपके पारा बाजार में आ गया है। मजबूत और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला सफारी ई रिक्शा, आसान शर्तों पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। आज ही घर लाएं खुशियों की सौगात और बने एवरेज के बादशाह। हमारा पता है साईं ऑटोमोबाइल्स, सुल्तानपुर रोड, पारा बाजार। हमारा फोन नंबर है 9935377130, 9026185379। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी के सिद्धी जगदीशपुर में CHO और ANM के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। अमेठी के ग्राम मंगरौरा विकासखंड जगदीशपुर में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र और मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा ने महिलाओं और बच्चों में पौधे बांटे, साथ ही ग्रामीणों से पौधे लगाने की अपील की। अयोध्या के गुप्तार घाट में बनी 30 दुकानों की विकास प्राधिकरण ने आयुक्त सभागार में नीलामी करवाई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के पट्टी में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी। लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक ने प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के तहत वृक्षारोपण किया, साथ ही प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने परेड की सलामी के बाद समस्त कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड ड्रिल के संबंध में कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बहराइच में SP प्रशांत वर्मा ने विशेश्वरगंज थाने की औचक निरीक्षण किया, साथ ही अभिलेखों के रखरखाव और महिला हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया। बहराइच की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया, जिसमें पुलिस ने महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। बहराइच में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इस मौके पर SP प्रशांत वर्मा ने कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। रामपुर में रिजर्व पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में 18 से 21 जुलाई तक आर्ट ऑफ लिविंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसके समापन के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कार्यक्रम की प्रशिक्षिका बीना मिश्रा को सम्मानित किया। रामपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने परेड की सलामी ली और पुलिस कर्मियों का टर्नआउट चेक किया। रायबरेली में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी ने 58 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि 2 चरणों में लगाए जाएंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।